अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चिकन मैक्रोनीस की। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने ले लिया एक अदद प्याज, उसके बाद हमने ले लिए तकरीबन हाफ कैबेज बंद गोभी, इसको हमने जुलियन कट कर लिया। फिर हमने ले ली शिमला मिर्च एक, इसको भी हमने जुलियन कट कर लिया। गाजर हमने ले ली एक, इसको भी हमें बड़े साइज़ की गाजर थी, इसको भी हमने जुलियन कट कर लिया। फिर हमने लिए दो अदर टमाटर और एक हरी मिर्च, इसको हमने ब्लेंड कर लिया। हाफ के जी हम ले लेंगे चिकन और इसको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको जुलियन कट भी कर सकते हैं। एक पैकेट हमने ले लिया मैक्रोनीस का, जिसको हमने बॉईल कर लिया इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो जनाब, हमने सबसे पहले ले लिया धनिया एक टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च एक टीस्पून के बराबर, हल्दी क्वार्टर टीस्पून के बराबर, नमक हस्बे ज़ायका मैंने लिया एक टीस्पून के बराबर। फिर उसके बाद हमने ले लिया लाल पेपरिका पाउडर, जो कि है हाफ टीस्पून के बराबर। सॉसेस की तरफ आते हैं। तो जनाब, हमें चाहिए सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस, ये हम ले लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। तो चलते हैं जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, हमने ले लिया एक पैन, इसमें हमने ऐड कर दिया हाफ कप ऑयल और इसको हमने कर लिया प्री हीट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। अच्छा जी, प्याज हमारा हो गया ब्राउन, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। अच्छा जी, चिकन आप देख रहे हैं, चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, चिकन का पानी जो था वो ड्राई हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भून के जब टमाटर थोड़े से हमारे भून जाएंगे और ऑयल थोड़ा हमें सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें साथ ही अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट सारे ऐड कर देंगे। तो जनाब, टमाटर हमारे थोड़े से भुन गए हैं और ऑयल देखिए अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम अपने जितने भी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स थे वो ऐड कर देंगे। इनको ऐड करके हम चिकन अच्छे से अपना जो है वो अब भून लेंगे। और यहाँ पे हम चिकन को थोड़ी देर के लिए दम पे भी रख देंगे, ताकि हमारे चिकन में अगर कोई हल्का सा फ़र्क है तो वो भी पूरा हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट इसको देंगे दम, फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो जी, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोलेंगे दम और कलर आप देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। इस पॉइंट पे हम करेंगे फ्लेम अपना फुल तेज़ और इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए हम गाजर सबसे पहले ऐड करेंगे और इसको हम सौते करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो जनाब, 2 मिनट गुजर चुके, इसके बाद हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के साथ ही हम ऐड करेंगे कैबेज बंद गोभी। इनको करेंगे हम अब अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। चलते हैं सॉसेस की तरफ। सबसे पहले हम सिरका डालेंगे जनाब 1 टेबल स्पून के बराबर। फिर उसके बाद हम ले लेंगे सोया सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून के बराबर। फिर हम आ जाएंगे चिली सॉस की तरफ, ये भी हमारा आएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। इनको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, मिक्स करके हम इनको इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनीस। मैक्रोनीस कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है चिली गार्लिक सॉस, ये हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर।
इसको भी करेंगे मिक्स और हम कर दे देंगे इसको 5 मिनट का दम। चुके हैं, अब हम खोलेंगे दम और इसको कर लेंगे डिश आउट। तो जनाब हमने कर लिया इसको डिश आउट। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।